हाय फ्रेंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शाही पनीर मसाला जो कि मैं घर में ही रखे मसालों से बनाऊंगी इसके लिए हमें ना ही बाजार से शाही पनीर मसाला लाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाले इसे हम घर में ही रखे मसालों से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी सी शाही पनीर मसाला जब भी आपकी पनीर की कोई अच्छी सी सब्जी खाने का मन करे तो आप ये वाली सब्ज़ी बना के ज़रूर खाएँ आपको बहुत पसंद आएगी तो इसे मैंने कैसे बनाया चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है कुछ सामान दो से तीन टमाटर बड़े साइज के जिसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया तीन प्याज उसे भी मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया और दो बड़े चम्मच रिफाइंड तेल और कुछ मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं जिसमें तेज़पत्ता है दालचीनी है और एक चम्मच मैंने यहाँ पे ली है जीरा और एक बड़ी इलायची तो चलिए मैं आपको और भी सामान बता देती हूँ दो से तीन हरी मिर्ची और लगभग पचास ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे कांजू लिया है ढाई सौ ग्राम हमने पनीर लिया है जिसे मैंने मोटे टुकड़ों में क्यूब में कट किया है मोटे टुकड़ों में पनीर बहुत टेस्टी लगेगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रख लेंगे उसमें मैं डालूँगी एक बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल और यहाँ पर हमने दो बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डाल दिए हैं तेल को गर्म होने देते हैं जो मसाले हमने लिए थे वो हम तेल में डाल देंगे और ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हमें इसमें सारे मसाले एक साथ डाल के थोड़ा सा हम ऑयल में पहले फ्राई करते हैं उसी से जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची और मसालों को डाल दिया है और उसे थोड़ा सा चम्मच से हिला देंगे अब जो हमने टमाटर मोटे मोटे काटे थे उसे भी हम चला देंगे प्याज को भी डाल देंगे कांजू जो हमने लिए वो भी यहाँ पे डाल देंगे और आप देख सकते हैं हमने सारे सामान को एक साथ डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से एक से दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे इस तरह से चलाने के बाद थोड़े से टमाटर प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसे हमें चलाते रहना है थोड़ा सा और आप इसे ढक के थोड़ा पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ़्ट हो जाएंगे इसे मैं ढक के दो तो से तीन मिनट पका लूँगी प्याज़ टमाटर मसालों को पकते लगभग तीन मिनट हो गया और आप देख सकते हैं प्याज़ भी हमारे यहाँ पे सॉफ़्ट हो गए हैं और टमाटर भी तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी डेढ़ गिलास पानी और इसे हम ठंडा होने देंगे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे ठंडा होने के बाद ही हमें इसकी प्यूरी बना के तैयार करनी है देखिए यहाँ पे जो हमने मसाले फ्राई करके पानी में डाले थे वो ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था और इस तरह से इसका बैटर बना लिया है अब चलिए हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं तो गैस पे कोई भी कढ़ाई या पैन रखेंगे उसमें हम डालेंगे दो चम्मच रिफ़ाइन तेल सबसे पहले मैं यहाँ पे पनीर को थोड़ा सा रिफ़ाइंड तेल में कश्मीरी लाल मिर्च डाल के फ़्राई करूँगी इससे बहुत ही सुंदर कलर आएगा और पनीर का टेस्ट भी बढ़ जाएगा तो मैंने एक चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है इसी के साथ मैं डाल दूँगी एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो पनीर की क्यूब्स है वो थोड़े से हम इस मसाले में अच्छे से फ्राई करेंगे इस तरह से लाल मिर्च और हल्दी के साथ पनीर को फ़्राई करने से पनीर का टेस्ट दुगना हो जाएगा और शाही पनीर मसाला का टेस्ट भी बढ़ जाएगा तो घर के ही मसालों से आज मैं आपको बता रही हूँ ये पनीर की सब्ज़ी तो आप एक एक स्टेप देखिएगा और इस तरह से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा फ्रेंड मेरी आपसे गारंटी है बिल्कुल होटल जैसा आपको टेस्ट आएगा और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी शाही मसाले का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हर घर में शाही मसाला नहीं होता है तो चलिए अब इसे हम एक से दो मिनट तक थोड़ा इस तरह से फ्राई कर लेंगे इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से टॉस कर लूँगी और अब चलिए हम फाइनल सब्जी बनाना शुरू करते हैं गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है कढ़ाई में हम डालेंगे दो छोटे चम्मच के करीब रिफ़ाइन तेल तेल गरम होते ही हम डाल देंगे जो प्यूरी हमने बना के रखी थी उसे दोस्तों मैंने यहाँ पे जो प्यूरी बनाई थी उसे मैंने छाना नहीं है बहुत से लोग इसे छान के भी बनाते हैं लेकिन हमने इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाया अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दो चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आपने देखा कि मैंने सारे मसाले यहाँ पे घर के ही यूज़ किए हैं शाही पनीर के लिए कोई भी स्पेशल मसाला मैंने यहाँ पे नहीं डाला है ना ही किचन किंग मसाला डाला ना ही सनी ना ही शाही पनीर मसाला तो आप इस तरह से बनाइए बहुत टेस्टी लगेगी और इसे मैं ढक के लगभग तीन से चार मिनट पका लूँगी ग्रेवी हमारी यहाँ पे पक गई है क्योंकि हमने शुरू में सारे मसाले पका के ही पीसा था अब इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ी चम्मच कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो आप कसूरी मेथी ज़रूर डालें इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी दो बड़े चम्मच मलाई ये घर की मलाई है आपके घर में जो दूध में मलाई निकलती है उसी मलाई को हमें यहाँ पे डालना है क्योंकि ये शाही पनीर मसाला है तो शाही मसाला पनीर तो आप जानती हो हल्का सा स्वीट रहता है तो मैंने यहाँ पे दो छोटी चम्मच चीनी डाल दी और जो पनीर को हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी में थोड़ा सा फ़्राई किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे तो देखो दोस्तों कितना आसान है घर में शाही पनीर मसाला बनाना और बस अब ये बन के तैयार है क्योंकि हमने सभी चीज़ों को पहले ही कुक कर लिया था तो इस सब्ज़ी को पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता पंद्रह से बीस मिनट में हमारी शाही पनीर मसाला बन के घर में बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है बस इसे हम ढक के एक बार दो मिनट तक तो और पका लेंगे ताकि पनीर के अंदर सब चीज़ों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए पनीर डालने के बाद मैंने इसे ढक के तीन मिनट तक पका लिया था शाही पनीर मसाला बन के तैयार है अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं नान के साथ कुलचे के साथ जैसा भी आपको पसंद आए जीरा राइस आप किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा तो आप शाही पनीर मसाला घर में बनाए और खाएँ अब चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं यम्मी यम्मी शाही पनीर मसाला बनके तैयार है फ्रेंड और ये खाने में बहुत टेस्टी बना है और सबसे आसान हमने इसे घर में ही रखे मसालों से बनाया है कोई भी मसाले हमें स्पेशल मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे बनाएं खाएँ और इन्जॉय करें और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी न्यू रेसिपी मिस ना करें मेरे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाय बाय